रीवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला बदर का फरार आरोपी पिस्टल के साथ आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चोरहटा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद आरोपी, ये दिनांक 23 फरवरी को चोरहटा थाना अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें ये आरोपी गौरव पटेल ने एक अवैध पिस्टल से जब उसको चेक कर रहा था तो उसके नितिन नाम के व्यक्ति को उसमें पैर में गोली उसमें लगी थी, और जिसके आधार पर इसमें नितिन की तरफ से धारा 308 IPC और 2527 आर्म्स एक्ट में उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था गौरव पटेल के खिलाफ, और तब से ये फरार चल रहा था और इसकी पतारसी लगातार की जा रही थी। इसके पुराने अपराध भी थे जिसके आधार पर इसका जिला बदर भी किया गया था, इसको तामील किया गया था, और उसके उपरांत ये अभी जिले रीवा में इसको देखा गया। तो उस जो फरार उसमें जिस अपराध में फरार चल रहा था उसमें भी इसकी गिरफ्तारी की गई है, कट्टा जब्त किया गया है और जिला बदर के उल्लंघन के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। कितने अपराध थे इसके खिलाफ? 6 अपराध हैं और अभी एक अपराध और बढ़ जाएगा।